जय माता दी, शीतला माता की जय। दोस्तों, हम लोग कड़े धाम जा रहे हैं और ये हम लोग रास्ते में हैं। अपनी गाड़ी इनोवा से कड़े धाम की यात्रा पे निकले हैं। ये कड़े धाम कौशाम्बी जिला में है, जो पहले प्रयागराज सबको में ही बोलिए था, अब शीतला अलग हो माता गया है। और हम लोग कड़े की धाम जय। के लिए देखिए सब निकले लोग हैं। पीछे आज तक एक मिश्रा जी बैठे का हैं। कुंड देखिए अब भरवाना है यहाँ पर जा और रहे हैं उनके यहाँ शीतला माता रानी माता का के श्रृंगार दर्शन होना करने। है, हमारे वही पुत्र देखने की के लिए गाड़ी हम चला लोग रहे जा रहे हैं हैं। और हम तो लोग जा चलिए रहे हम हैं शीतला लोग माता की। आज कौन सी जगह है? कौशाम्बी देखते हैं कि कड़े कैसे धाम। कुंड भराया कड़े जाता है धाम और की कैसे माता जी का वहाँ पे दर्शन पूजा करने जा होती रहे है। हैं। तो ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में। कड़े धाम पहुँचने के बाद हम लोगों ने प्रसाद खरीदा और सब लोग पहले आरती के दर्शन के लिए गए, तो बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, जैसा हेलो कि आप फ्रेंड्स, देख आज सकते हम हैं। आए कड़े धाम ऐसा शीतला दर्शन माता हमें के पहली दर्शन बार के लिए। हुआ था, इतना भव्य पूरा मंदिर दर्शन आज चांदो तक मैंने नहीं किया था, जितना खाए सुंदर और दर्शन आज मिश्रा मैंने जी के किया। यहाँ और श्रृंगार आप लोगों होना को भी था, शीतला माता के कुंड दर्शन करा भरना रही था, इसलिए हूँ। सारा मंदिर खाली था। हम लोगों ने अच्छे से कमेंट में दर्शन लिखिए जय किया। माता उसके बाद दी। देखिए हम दिखाते हैं कि कैसे बाजा के साथ पूरे लोग प्रसाद फल हाथों में लेके, पूरा परिवार और उनके साथ जितने भी रिश्तेदार थे और हम लोग भी थे, पड़ोसी लोग, मोहल्ले के सारे लोग। देखिए उनकी बहुएं जा रही हैं, सब घूंघट में, उनकी माता जी भी हैं और सब लोग जा रहे हैं, हमारे साथ के लोग भी। हम सब लोग मंदिर के पास पहुँचे और मंदिर की फिर देखिए कैसे वहाँ पे पूजा होगा। हम लोग बड़े ही उत्साहित थे सब देखने के लिए और इतने सारे लोग वहाँ पे जाने पे पंडा लोगों की सारी व्यवस्था रहती है, पंडे लोग अपनी पूरी व्यवस्था बनाते हैं। और इन लोगों का जो पूजा हुआ, मिश्रा जी लोगों का पंडा जो है वो विनोद पंडा है, तो कहीं भी हम लोग जहाँ भी पूछे कि विनोद पंडा के यहाँ जाना है तो वो लोगों ने बताया। देखिए हम लोग आ गए हैं मंदिर के उस पे और यहाँ पे अब मंदिर को पूरी तरह से सजाया जाएगा। तो मंदिर कैसे सजाते हैं देखिए, फूल माला से मंदिर को सजा रहे हैं लोग। दूसरे के पूजा में मैं आई हूँ तो थोड़ा वीडियो बनाने में भी असहज लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके अंदर तक गई। और देखिए मंदिर का जो अभी हम लोगों ने दर्शन जो किया था वो मंदिर अब हम देखेंगे कि मंदिर का कुंड कैसे खाली हो रहा है। ये देखिए एक सज्जन मंदिर के कुंड को खाली कर रहे हैं और ये कुंड में जो पानी भरा रहता है इसको पूरी तरह से पहले खाली किया जाता है, उसके बाद इसकी अच्छी से सफाई होती है, उसके बाद कुंड भराता है। तो कुंड को साफ करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। माता रानी का पर्दा गिरा हुआ है और ये सज्जन अब देखिए कैसे कुंड में घुसना नहीं होता है, पैर को पीछे फंसा के रेलिंग में, और देखिए कैसे सज्जन नीचे की तरफ जाके पूरा पानी बाल्टी में भर रहे हैं। फिर पानी कम हो गया, पहले बाल्टी से निकाला, फिर देखिए कैसे उसके और उसको सफाई कर रहे हैं। ये बहुत ही मेहनत का काम है, ये हर रोज़ होता है और हर लोग अपना कुंड भराने का करते हैं, जिनकी भी मान्यता होती है। कुछ मन्नत माने रहते हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे बच्चों के लिए मन्नत मांगते हैं और बच्चों जब बच्चे स्वस्थ रहते हैं, बच्चे हो जाते हैं तो उनका मुंडन यहाँ पे लोग कराते हैं। तो यहाँ पे ये मान्यता होती है कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो लोग अपना कुंड भराते हैं। देखिए माता रानी का हाथ दिखाई देने लगा, ये कड़ा है, जैसा कि आपने देखा जब पूरी तरह से कुंड को खाली कर दिया जाता है तो उसमें माता रानी का कड़ा दिखाई देता है हाथ, जो कि माता रानी के कहा जाता है कि माता रानी का हाथ यहाँ पे गिरा था, जो कि इसीलिए कड़े धाम के नाम से प्रसिद्ध है। जब से जी माता को लेके तांडव कर रहे थे और जलती हुई माता के अंग अंग पूरे उसमें गिरे थे, तो एक अंग यहाँ भी गिरा था जो कि कड़ा था इनका हाथ। हाथ अब ये देखिए यहाँ पे सब फल सामग्री रखी गई है और इंतज़ार हो रहा है कि कब पूजा शुरू हो, और हम लोग भी बड़े उत्साहित हैं।
कुंड खाली हो गया है, कुंड की पूजा होगी। ये मिश्रा जी की वाइफ है, इन्हीं का पोता हुआ है और वही कुंड भराने के लिए यहाँ पे आई है। पूरा परिवार यहाँ पे अब फल प्रसाद लेके जाएगा और कुंड भरने का काम शुरू होगा। तो पहले पूजा अर्चना होती है और पूजा अर्चना करने के बाद फिर कुंड भराता है। तो जिनको भी बच्चे की मान्यता होती है, बच्चा हो जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे लोग कुंड भराते हैं और जो भी खुशी मिलती है, मान्यता मन्नत मांगते हैं लोग, ये दही दूध घी जैसे पंचामृत बनता है, उन सारी चीज़ों से यहाँ पे कुंड को भरा जाता है, फिर जल से भरा जाता है। तो वहाँ पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये दंपति है, ये उनके छोटे पुत्र हैं और उनकी पत्नी है, दोनों लोग कुंड भर रहे हैं। पूजा चल रहा है, कुंड ऐसे भराता है, हमने तो पहली बार देखा, इसलिए आपको भी दिखा रहे हैं। आपको भी कोई मन्नत हो तो आप मांगे और माता रानी आपकी मन्नत जरूर पूरी करेंगी, यही मेरी भी मनोकामना है। और जो लोग अभी तक कड़े धाम ना देखे हों तो एक बार जरूर जाएं, कड़े धाम की माता रानी का दर्शन करें और अगर उनकी भी मन्नत पूरी हो जाती है तो कुंड भराएं। इतना अच्छा माहौल दिख रहा था, इतना अच्छा जाके दर्शन हुआ। अभी देखिए ये पट खुलेगा, अंदर श्रृंगार भी हो रहा है, पर्दा गिरा हुआ है, अंदर श्रृंगार हो रहा है और हम लोग मंदिर खुलने पट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, कब पट खुलेगा और माता रानी का दर्शन होगा। क्योंकि श्रृंगार अब पूरा हो चुका है, तो श्रृंगार पूरा होने के बाद मंदिर का पट खुलेगा तो आपको भी दिखाएंगे कैसे माता रानी का श्रृंगार हुआ है। फल फूल से कुंड भर आ रहा है, कुंड भरने का भी काम पूरा हो गया है। कुंड को फिर चुनरी से ढक दिया जाता है और फिर माता रानी का पर्दा हटाया जाता है। तो सारे लोग देखने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, हम लोग भी खड़े हैं। देखिए ढक दिया गया है कुंड को चुनरी से, वहाँ पर चुनरी जो चढ़ाई जाती है। और यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे माता रानी का एक स्टेज लगाया जाता है रात में। तो देखिए पर्दा हटा और माता रानी के दर्शन हुए, जय माता रानी। मैं दूर से देख पा रही हूँ, ये है माता रानी का दर्शन करिए, जय माता दी। और कितना सुंदर, कितना अच्छा सजावट हुआ है माता रानी का। आज तो माता रानी इतनी प्रसन्न दिख रही हैं और हमें भी बहुत प्रसन्न कर रही हैं। माता रानी हमें इतनी खुशियाँ दी हैं, उसे बनाए रखें और आपके परिवार में भी खुशियाँ बनाए रखें, मेरे परिवार की सुरक्षा करें माता रानी, यही हमारी भी मनोकामना है। इसी खुशी के साथ हम लोग भी माता रानी के दर्शन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे इतना लोगों की भीड़ है, भी जयकारा लगेगा और आरती होगी, भव्य आरती। आज की आरती जो सेज आरती होती है उसका मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए कितना भीड़ है, घंटे की ध्वनि आप सुन सकते हैं, इतनी तेज घंटे की ध्वनि और जयकारा, मतलब मन प्रसन्न हो गया यहाँ आके। आज तो मैं भी आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी कभी आइए प्रयागराज को। माता रानी के श्रृंगार के लिए लोग भी चढ़ा रहे हैं, माता रानी का पालना है। फल फूल से पूजा हुई और अब मैं वीडियो समाप्त करने की ही इजाज़त दीजिए और आप लोग भी जयकारा लगाइए। देखिए यहाँ पे जागरण हो रहा है, जागरण के बाद भंडारे के बाद जागरण और ये माता रानी की सेज। माता रानी अब विश्राम कर रही हैं और हम भी अब विश्राम।